विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार चिंताजनक बना हुआ है। गुरुवार को 4,206 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में 2,58,485 कोरोना के नए केस मिले। पिछले कुछ दिनों से लगातार 4,000 से ज्यादा हर दिन मौत हो रही है। थोड़ी राहत के बाद इस बात को लेकर है कि कल बीमार होने वालों से करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। देश में एक्टिव केसों की संख्या अब 30,00,000 से ज्यादा बनी हुई है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी की वजह से आज वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। 18 से 44 साल वालों के लिए आज से दिल्ली के 150 सेंटरों पर वैक्सीन बंद कर दिया गया है। 18 से 44 साल वालों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है और कोविशील्ड का स्टॉक भी कुछ देर के लिए ही बचा है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 2 दिन की कोवैक्सीन और 9 दिनों की कोविशील्ड का ही डोज बचा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। दिल्ली में कल नए केस घटकर 3,500 के नीचे आ गए हैं। गुरुवार को दिल्ली में 3,231 नए मामले सामने आए हैं। ये 1 अप्रैल के बाद सबसे कम आंकड़े हैं, जबकि 233 लोगों की मौत हो गई। उधर उत्तर प्रदेश में कल 6,725 नए मरीज मिले, जबकि 236 लोगों की मौत हो गई। नए केसों में गिरावट की वजह से पिछले लॉकडाउन को भी माना जा रहा है। ICMR के हेड डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना महामारी शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ा सकती है। कोरोना मरीज डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने DRDO की दवा 2DG को लेकर भी कहा है कि ये दवा नई नहीं है, इसका इस्तेमाल बदल गया है। डॉक्टर भार्गव ने कहा है कि 2DG दवा कोरोना के हल्के और मध्यम स्तर के रोगियों के लिए ठीक है, कोरोना के क्रिटिकल मरीजों के लिए ये दवा ठीक नहीं है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा। दिल्ली में फिलहाल 200 ब्लैक फंगस के मरीज हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए अलग अलग डेडिकेटेड सेंटर बनाए हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल केंद्र से कहा है कि वो उन कदमों की जानकारी दे जो ब्लैक फंगस के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली दवा के आयात के लिए उठाए जा रहे हैं। दरअसल देश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर भारी किल्लत है। कोर्ट को केंद्र ने बताया कि देश भर में 7,251 ब्लैक फंगस के मामले हैं। हाई कोर्ट मामले में अब मंगलवार को सुनवाई करेगा। ब्लैक फंगस के बाद अब कोरोना मरीजों में नई बीमारी व्हाइट फंगस के भी लक्षण मिलने लगे हैं। बिहार में व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए हैं। व्हाइट फंगस के सभी संक्रमित पटना के PGMC में भर्ती हैं। एक्सपर्ट्स व्हाइट फंगस को ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि ये त्वचा, पेट, गुर्दा, मस्तिष्क, निजी अंगों और फेफड़ों के अलावा मुंह को भी प्रभावित कर सकता है। हरियाणा में भी व्हाइट फंगस के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहन रहे। ज्यादा लापरवाही और ढील खतरनाक हो सकती है। देश में एक्टिव केस 12.1% है और कोविड से रिकवरी 86.7% हो गई है। देश में कुल एक्टिव केसों का 69% सिर्फ 8 राज्यों में है। इन 8 राज्यों में 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, जबकि 19 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केस है। कोरोना का टीका लगाने वालों का अस्पताल जाने की संभावना 1% से भी कम है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। स्टडी में ये पता चला है कि टीकाकरण के बाद 0.06% लोगों को ही अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है। टीकाकरण अभियान के शुरुआती 100 दिनों के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर ऑब्जर्वेशन स्टडी की गई थी। कोरोना के खिलाफ विजय के लिए देश भर में टेस्टिंग को युद्ध स्तर करने की तैयारी है। केंद्र सरकार अगले महीने से रोजाना 45,00,000 लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने की योजना है। ICMR का कहना है कि पिछले साल RT-PCR पर ज्यादा जोर दिया गया था, लेकिन इस बार ज्यादा जोर एंटीजन टेस्ट पर है, क्योंकि इसका नतीजा जल्द पता चल जाता है। जल्दी पता चलने पर जल्द आइसोलेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बड़े शहरों में RT-PCR पर फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड के गांव में कोरोना के हालात काफी गंभीर हैं। उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण के 1900 मामले सामने आ चुके हैं। जिले के 80 जगहों को पूरी तरह से सील कर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। अब तक इस महामारी से 60 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। गांव में खांसी बुखार की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीमें अब गांव-गांव जाकर सैंपलिंग में जुटी है। उधर चमोली में भी ज्यादातर लोग बुखार, खांसी, सर्दी से पीड़ित हैं।